झारखंड एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बनी सहमति। बीजेपी 68, आजसू 10 और जेडीयू 2 और एलजेपीआर 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड में बीजेपी और आजसू को झटका। बीजेपी विधायक केदार हाजरा ने थामा जेएमएम का दामन। वहीं आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक भी हुए जेएमएम में शामिल। 19 अक्टूबर को राहुल गांधी का झारखंड दौरा। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बिहार पुलिस ने अवैध शराब व्यापार से जुड़े 450 लोगों को हिरासत में लिया। हाल ही में मिलावटी शराब पीने से बिहार में गई थी कई लोगों की जान। महाविकास अघाड़ी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर साधा निशाना। चुनाव में धांधली और चुनाव आयोग के दुरुपयोग का लगाया आरोप। सीट शेयरिंग में देरी को लेकर नाराज हुए संजय राउत। कहा, फैसले लेने में सक्षम नहीं प्रदेश कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी से करूंगा बात। 23 और 24 अक्टूबर को रूस दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति पुतिन से भी करेंगे मुलाकात। बहराइच मामले पर सीपीआई महासचिव डी राजा का बयान, यूपी सरकार पर साधा निशाना। यूपी की कानून व्यवस्था को बताया बदतर। मुंबई पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन की बैठक में हुए शामिल। सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का बड़ा ऐलान, 20 अक्टूबर को कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट होगी जारी। हमास चीफ याया सिनावर, इसराइल के हमले में हुआ ढेर। जो बाइडेन ने किया ट्वीट, कहा ये इसराइल और दुनिया के लिए अच्छा दिन। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा एक्शन। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 218 अंकों की बढ़त के साथ 81,224 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो वहीं 113 अंकों की बढ़त के साथ 24,863 पर बंद हुआ निफ्टी। फिर वकील के रोल में दिखाई देंगे अक्षय कुमार। करण जौहर करेंगे फिल्म का डायरेक्शन। 14 मार्च 2025 को रिलीज होगी फिल्म। फिलहाल फिल्म के टाइटल का नहीं हुआ ऐलान। फिर मिली सलमान खान को धमकी, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर आया मैसेज, 5 करोड़ की फिरौती की गई मांग।